अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद टीवी के साथ मैं हूं इकरा चौधरी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसम के तेवर बदल गए, बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने लगे। कराची में भी बादलों की आंख निचोली, बरसने को बेताब। रुई के गाले बरसने से मलिक कोहसार का हुस्न भी दुबाला हो गया। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद, भारी मकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। बलोचिस्तान में एफसी की कार्रवाइयां, दो दहशतगर्द हलाक। नई गाज डैम की तामीर का केस सुप्रीम कोर्ट ने वजीर तवनाई और वजीर खजाना को तलब कर लिया। आइंदा पीर तक CDWP के अजलास के मिनट अदालत में पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस बंद ना करने का फैसला। FIA ने फाइल बंद करने की इस्तदा की है, लेकिन हम कैसे अदालती हुकुम को खत्म कर दें? हम असगर खान की कोशिशें रायगा नहीं जाने देंगे। इस केस की मजीद तहकीकात कराएंगे चीफ जस्टिस के रिमांड। अमरीका में पाकिस्तान के नए सफीर असद मजीद ट्रंप को आज असनाद सिफारत पेश कर देंगे। इस हवाले से तकरीब व्हाइट हाउस में होगी, जहां भारत और अफगानिस्तान के सुफरा भी अपनी असनाद पेश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की बहन अलीमा खान की बैरून मुल्क एक और जायदाद सामने आ गई। अमरीका में मौजूद ये जायदाद अलीमा खान ने 2004 में खरीदी, मगर जून 2017 तक पाकिस्तानी टैक्स हुकाम के सामने जाहिर नहीं की थी। इन जायदाद की मौजूदा मालियत $30 लाख यानी 45 करोड़ रुपए है। मिनी बजट में नए टैक्स लगेंगे, वजीर खजाना ने बता दिया। कहते हैं सारा एहसार IMF पर नहीं, मुतबादल इंतजाम भी कर लिया। सऊदी अरब और UAE के कर्ज से मिलने वाले कर्ज पर सूद अदा होगा। और जर्मनी के तीन बड़े एयरपोर्ट्स पर अमले की हड़ताल, सैकड़ों परवाजें मंसूख होने से मुसाफिर परेशान। हड़ताल का मकसद आला हुकाम पर तनख्वाहों में इजाफे के लिए दबाव डालना है। उम्मीद टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उम्मीद टीवी, या विजिट करें हमारी वेबसाइट www.umeedtv.tv।